चलो चलो पहले भलत जाएंगे समझ पहले भलत चल चल उठा चल उठा जरा उठा झंडा How much? Agar 5 hawa kilo lirani sat sat tuman Thank you.
जब हम हमले में क्या की जगह बड़ा दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैक या मन इंदहु तुस्तुजाबु दावात सल्लवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ाहिरीन मोहतरम, अभी हम लोग जिस मकाम पर, जिस जगह पर यहाँ ज़ियारत करने के लिए आए, ये जो जगह, इसको बलद कहा जाता है। बलद कहते हैं, सबा दजील भी कहते हैं। सबा दजील क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये दरियाए दजला से करीब है, जाता है। सैयद मोहम्मद के नाम से भी ये जगह मशहूर है। अभी जो मशहूर है ये जगह सैयद मोहम्मद, इसी से भी आप कह दीजिए कि हमें सैयद मोहम्मद के वहाँ जाना है, वो आपको यहाँ लाकर छोड़ दे। ये सैयद मोहम्मद कौन थे, कौन हैं? अभी हम लोग यहाँ से सामारा जाएंगे। दसवें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक वहाँ मौजूद है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के ये सबसे बड़े फर्जंद थे। 228 हिजरी में इनकी विलादत हुई और 252 हिजरी में इनकी शहादत हुई। 24 साल की इनकी ज़िंदगी, 24 साल। यहाँ जो है खुसूसन लोग सैयद मोहम्मद के यहाँ पर आते हैं, इसलिए कि इनके बहुत सारे करामात हैं। अभी हम लोग जिस दरवाज़े से दाखिल हुए, उसी दरवाज़े के ऊपर लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या मन इंदहु तुस्तुजाबु दावात, कि हमारा सलाम हो उस हस्ती के ऊपर कि जिनकी बारगाह में दुआएं रद्द नहीं होती, दुआएं कबूल होती हैं। तो ये जगह जो है सैयद मोहम्मद के नाम से मशहूर है। लोग यहाँ पर आते हैं, चढ़ावा पेश करते हैं, किसी के मन्नत या मुराद पूरी हो जाती है तो वो बकरा ज़बह करते हैं, अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। और लोग यहाँ पर चोरी नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ इन सैयद मोहम्मद बहुत बड़े जलाली थे। अगर कोई यहाँ चोरी करेगा, या तो वो अंधा हो जाएगा, या तो उसके पेट में दर्द होगा। किसी के कोई सामान यहाँ से लेकर कोई भाग नहीं सकता, इसलिए कि बहुत बड़े ये जलाली हैं। चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, सब लोग सैयद मोहम्मद का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। इसलिए कि ये बहुत बड़े आलम दीन भी थे अपने ज़माने में, बहुत मुत्तकी भी थे, परहेजगार भी थे। लेकिन यहाँ आप लोग एक चीज़ का ख्याल रखें कि यहाँ खुसूसन लोग आते हैं किस चीज़ के लिए। आपने देखा होगा कि हर जगह झूले लगे हुए हैं, जिनके वहाँ विलादत नहीं हो रही है। 5 साल का अरसा हो गया, 10 साल का अरसा हो गया, इससे पहले तकरीबन इसी काफिले में या दूसरे काफिले में कुछ लोग आए हुए थे बम्बई से, 10 साल हो गया उस फैमिली को, लेकिन उनकी वहाँ औलाद नहीं हुई। यहाँ पर आए, ज़्यारत किए, मन्नत मांगी,
साल भर के अंदर उनके वहाँ जुड़वा बच्चा पैदा हुआ। ये सैयद मोहम्मद के करामात में से। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है घर में बैठी हुई, या किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है, सैयद मोहम्मद के वहाँ। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, जो हकीकत बात है। दुआ मांगी है, पूरी होती है। खुद मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि मौलाना हम लोग आप हमें यहाँ लेकर आएँ, यहाँ हमारी ज्यारत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ते आ रहे हैं। तो सैयद मोहम्मद के वसीले से हर मन्नतें हर मुरादें पूरी होती है। यहाँ पे मन्नत पूरी होने पे बकरा ही जीबा करने का, अभी सब बयान कर रहा हूँ, पूरी सब बयान कर रहा हूँ, सब बयान कर रहा हूँ। देखिए, कोई बड़ी मन्नत है तो बड़ी चीज़ पेश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपके हैसियत के मुताबिक आपके जहन में ये रहना चाहिए कि आपने नज़र किस चीज़ की मानी है और उस नज़र को आपको कहाँ उतारना है। मसलन आपने नियत किया कि अगर खुदावंद आलम ने सैयद मोहम्मद के नाम से क्या किसी की शादी नहीं हो, शादी हो जाए, किसी को बच्चा पैदा हो जाए, किसी को जॉब लग जाए, कोई भी काम हो, यहाँ अगर आप दुआ करें और आपने मन्नत मानी कि मैं जो सैयद मोहम्मद के नाम से यहाँ बकरा ज़िबा कराऊँगा, तो आपको बकरा इसी जगह पर ही ज़िबा करना। लेकिन अगर आपने नियत किया कि मैं हिंदुस्तान में या किसी भी जगह पर बकरा ज़िबा करूँ, तो वहाँ कर दी। ज़रूरी नहीं है कि आप बकरा ज़िबा करें, आपके हैसियत के मुताबिक, आपके हैसियत के मुताबिक आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। चाहे आप मजलिस कराइए, 10 गरीबों को खाना खिलाइए, या जो है किसी को सदका दे दीजिए, कुछ भी कीजिए, जो आप कर सकते हैं आपके हैसियत के मुताबिक वो आप कीजिए। लेकिन ये बहुत ही मुकद्दस मकाम है, जैसे कि मैं जिक्र किया हूँ, सैयद मोहम्मद के वहाँ हर हाजतें, हर मन्नतें, हर दुआएँ जो मुस्तजाब हुआ करती, इसलिए इनको कहा जाता है सलाम अलैका या मन इंदहु तुस्तजाबु दावात। हमारा सलाम हो सैयद मोहम्मद के ऊपर, के जिनकी बारगाह में हर मुरादें पूरी होती हैं। अस्सलाम अलैका अय्युहल हाफिज़ लिल जीरान, ये अपने पड़ोसियों की भी हिफाजत करते हैं, चाहे यहाँ सुन्नी हो, शिया हो, जो भी इस इलाके में ज़िंदगी गुजारें, सबकी हिफाजत करते हैं सैयद मोहम्मद। तो बहुत ही अजीम हस्ती के ये मालिक थे। और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के ये बड़े बेटे थे। लोग यही गुमान कर रहे थे कि इसलिए कि इनका अखलाक, मोहब्बत, प्यार लोगों के साथ बहुत ज़्यादा था, और लोग यही समझ रहे थे कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के बाद यही इमाम होंगे। सबके वहन गुमान में यही था कि यही इमाम होंगे। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से ख़ास ये दर्स लिया करते थे। लेकिन इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के रहते हुए 2 साल पहले इनका इंतकाल हो गया। इमाम उस वक्त मौजूद थे, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम उस वक्त मौजूद थे जब इनका इंतकाल हुआ। जिस तरीके से बयान किया, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को क़ैद किया गया, मदीने से जो है सामरा लाया गया, वहाँ जो कई साल तक जो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम क़ैद रहे, ये भी उन्हीं के साथ थे। लेकिन जब सैयद मोहम्मद के बारे में बयान किया जाता, जब ये सामरा से इन्होंने सफ़र शुरू किया मदीने जाने के लिए, जब यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर 2 रवायतें हैं। एक रवायत तो ये कि इनको भी जहर दिया गया, दूसरी रवायत ये कि इसी जगह पर पहुँचे और यहाँ इनकी तबीयत ख़राब हो गई, यहीं पर जो है इनका इंतकाल हुआ 252 हिजरी में। 24 साल की इनकी उम्र थी, इसी जगह पर जो है इनका इंतकाल हुआ। तो जब इनका इंतकाल हुआ, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को जब पता चला, इसलिए इमाम अस्करी के ये छोटे भाई थे, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार गिरिया करने लगे, रोने लगे, यहाँ तक उन्होंने अपने गिरेबान को फाड़ लिया, अपने चेहरे पर जो तमाचे मारने लगे। जो लोग ताज़ियत पेश करने के लिए आ रहे थे इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के पास, जब उन्होंने देखा कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अपने गिरेबान को उन्होंने चाक किया, मातम कर रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, तो लोग एतराज़ करने लगे, ये तो बिदअत है, क्यों अपने गिरेबान को चाक कर रहे हैं, क्यों अपने रुखसार पर मातम कर रहे हैं। तो उस वक्त इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब जनाब मूसा के वज़ीर जनाब हारून का इंतकाल हुआ था, जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि उनके वज़ीर हारून, जनाब हारून का इंतकाल हो गया है, तो जनाब मूसा ने भी अपने ज़माने में अपने गिरेबान को चाक किया, वो मातम करने लगे, सीना जनी करने लगे। तो लिहाजा इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने यह बता दिया कि अगर कोई मर जाए तो वहाँ अगर हम गिरिया कर रहे हैं, अपने गिरेबान को चाक कर रहे हैं, तो ये जो है बिदत नहीं बल्कि इमामों की ये सुन्नत है। तो आप देखें कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जब इनके इंतकाल हुआ तो वो गिरिया करने लगे। तो यहाँ जो है, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया, सैयद मोहम्मद
जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे थे उनकी कब्र मुबारक यहाँ अंदर मौजूद हैं। और आप लोग जाएंगे वहाँ जो है तावीज़ भी वो देता है, अगर आप लोग लेना चाहें 1000 दीनार का, अगर किसी की कोई मन्नत हो, किसी के वहाँ अगर विलादत नहीं हो रही तो उसको जो हाथ में बांधते हैं उस तावीज़ को पहनने के लिए। तो यहाँ जैसे कि मैंने जिक्र किया, आप लोग जो भी मन्नत मांगना चाहें मांग सकते, चाहे वो किसी जॉब के लिए हो, चाहे वो औलाद के लिए हो, चाहे वो किसी लड़की की शादी के लिए हो, किसी लड़के की शादी के लिए हो, हर मन्नतें हर मुरादें यहाँ पर पूरी होती हैं। ठीक है, आप लोग इधर मुतवज्जे हो जाएं, इनकी ज़ियारत हम लोग पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। सलामुल्लाहि व सलामु मलाइकतिहिल मुकर्रबीन व अंबियाहिल मुरसलीन व इबादिहिस सालिहीन व जमीय शुहदाए व सिद्दीकीन अलैका या सय्यदी व इब्न सय्यदी इब्न रसूलिल्लाह। चलो अपनी जमात आ जावे तो मैं खाना निकाल लूं। Bye.
स्कूलों की टीम खाली बेगा बता रहे चला भी जोड़े ने घर दिनों से आइए चलो यल्ला अरीन मोहतरम। इस वक्त हम सामर्रा में मौजूद हैं कि जहां हमारे दसवें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है, ग्यारहवें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम उनकी भी कब्र मुबारक मौजूद है, इमाम ज़माना की वालदा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जनाब नरजिस खातून उनकी भी कब्र मुबारक उसी ज़रिए के अंदर मौजूद है, और इमाम की जो फूफी हकीमा खातून उनकी भी कब्र मुबारक वहाँ मौजूद है, और इसी तरीके से इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ मकाम इमाम ज़माना के जहाँ से इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ जहाँ से पर्दे गैब में गए थे वो मकाम भी है मौजूद, इंशाल्लाह वहाँ की भी आप लोग ज़्यारत करेंगे। सामर्रा है ये कि इसके बारे में बयान किया जाता है कि इसका पहले जो नाम था उसूल काफ़ी में हदीस भी मौजूद है कि सुर्रा मन रहा, सुर्रा के माने खुशी के और रहा के माने देखना, तो जो भी सामर्रा में आता था यहाँ की ज़्यारत करता था इस जगह को देख उसके दिल में एक तमन्ना एक चाहत पैदा होती थी कि वो इस जगह पर बार बार आए और यहाँ आकर जो यहाँ की जो है ज़्यारत करे। अभी आप लोगों की निगाहों के सामने खूबसूरत सा रोज़ा बना हुआ है, लेकिन कुछ साल पहले यहीं पर जो है हमला किया गया था और पूरा मीनार जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा था उसको। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप सरदाब में जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत सा सरदाब जो अंदर बनाया गया है, 37 सीढ़ी हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आप लोग जाएँगे। पैगम्बर इस्लाम की मशहूर मरूफ हदीस है, इसमें इरशाद हो रहा है कि मम माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही फ़कत माता मीतन जाहिलिया, कि अगर कोई इंसान अपने ज़माने के इमाम को रहबर को पहचाने बगैर मर जाए तो उसकी मौत जो है जाहिलियत की मौत होती है। सिर्फ हमारे ही किताबों में मौजूद नहीं है बल्कि अगर आप अहले सुन्नत की किताबों में भी देखेंगे वहाँ भी मिलेगा कि जहाँ ये फ़िक्रा मौजूद है कि मम माता वलम यारिफ हाकिम हो फ़कत माता मीतन जाहिलिया, कि अगर कोई शख्स अपने ज़माने के हाकिम को पहचाने बगैर मर जाए तो उसकी मौत जो है जाहिलियत की मौत होती है, कुफर की मौत होती है। तो लिहाजा
हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो जो है अपने इमाम ज़माना की मारफत को जो है हासिल करें। इसलिए कुरान मजीद की आयत भी मौजूद है कि यौम नदु कुल नासिम बे इमाम ही, तो क़यामत के दिन हर इंसान को उसके ज़माने के इमाम के साथ ही बुलाया जाएगा। तो उस वक्त इंसान ये ना कह सके कि मुझे अपने इमाम की मारफत के नहीं। जो इंसान जिस चीज़ की इबादत करता है क़यामत के दिन उसको उसी के साथ ही बुलाया जाएगा। अगर कोई पत्थर की इबादत करता है तो उसको पत्थर ही के साथ जाना पड़ेगा। तो लिहाजा हम जिस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारे ज़माने के इमाम हैं, इमाम ज़माना जल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ, हम यहाँ पर मौजूद हैं, इतने दूर से हम यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आए हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि वो इमाम ज़माना कि जिनके वालिद यहाँ पर दफन है, जिनके वालदा यहाँ पर दफन है, तो वाकई इमाम ज़माना भी इसी जगह पर आते होंगे और आने के बाद अपने चाहने वालों को देखते भी होंगे कि हमारे चाहने वाले जो हैं इतने दूर से जो यहाँ ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं। अजीज़ाने गिरामी, इसी बसरे के एक वाक़या मिलता है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दो साथी, किसी का इंतकाल हो गया था, लिहाजा वो बसरा पहुँचे, उनको जो है कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी काफ़ुर वग़ैरह की। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को भेजा कि जाओ इन चीज़ों को जो वहाँ से लेकर आओ। दो लोग वहाँ पर पहुँचे उस दुकान में और पहुँचने के बाद उससे कहा कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप हमें दे दीजिए। तो वो दुकानदार कहने लगा कि आप लोग कहाँ से आए हैं, इसलिए कि वो ऐसा लिबास पहने हुए थे कि वहाँ के लग ही नहीं रहे थे कि यहाँ के रहने वाले हैं। तो लिहाजा उसे शक हुआ, वो कहने लगा कि आपको बताना ही पड़ेगा कि आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या बात है, क्या मसला है। कहा कि तुम्हें क्या मतलब हम कहाँ से आए हैं, हमने जो चीज़ मांगी है तुम पैसे ले लो, वो सामान दे दो। बहरहाल उसने सामान लिया, लेकिन दुकान वाला जो है ज़िद पर आया कि नहीं आप हमें बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कि हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथियों में से हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के किसी चाहने वाले के इंतकाल हो गए, लिहाजा इमाम ज़माना ने हमें भेजा आपकी दुकान से इन तमाम चीज़ों को लेने के लिए। अब वो शख्स भी ज़िद करने लगा कि नहीं मैं भी जो है इमाम ज़माना से मुलाकात करना चाहता हूँ, मुझे भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ लेकर चलो साथ में, मैं भी मिलना चाहता हूँ। बहरहाल ज़िद पर यह उतर आया, वो लोग बहुत समझाए कि नहीं रहने दो, तो लिहाजा वो लोग भी मजबूर हो गए, अगर ठीक है चलना है तो चलो। लेकर चले उस शख्स को, रास्ते में पहुँचे तो देखा कि वहाँ समुंदर है। अब ये घबरा गया कि समुंदर के ऊपर से कैसे जाए, ना वहाँ कोई कश्ती है ना कोई मल्ला है। तो इमाम के जो चाहने वाले थे उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और पानी के ऊपर चलने लगे। ये शख्स घबराया हुआ है तो इमाम के चाहने वालों ने कहा कि ठीक है, हम लोगों ने जिस तरीके से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा है इसी तरीके से आप भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहे और पानी के ऊपर चलने लगे। बहरहाल वो उसने भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा और अल्लाह को जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का वास्ता दिया और पानी के ऊपर वो चलने लगा। चलते चलते जैसे ही 20 समुंदर में पहुँचे, आसमान में जो बदली छा गई, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जो अब बारिश होने वाली है। ये शख्स जो था जिसकी साबुन वगैरह की दुकान थी, इसके जहन में ख्याल आया, अरे मैं तो अपने छत के ऊपर जो है साबुन वगैरह जो बहुत सारा बना के रखा था, बारिश होने वाली क्या हो जाएगा, मेरा तो इतना नुकसान हो जाएगा, पूरा तिजारत मेरा घाटा हो जाएगा, क्या करूँ मैं। जैसे ही उसके जहन में ये ख्याल आया कि अभी तो बारिश हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मेरा तो इतना साबुन बना के रखा था छत के ऊपर सूखने के लिए मैंने रखा था, सब नुकसान हो जाएगा। उमूमन हमारे वहाँ जैसे ही बारिश होने वाली होती है तो हमारे घर की जो है औरतें क्या करती, फ़ौरन छत के ऊपर जाती, जो किसी का स्वेटर है कपड़ा है फ़ौरन लेके आ जाती, कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो बहरहाल यह शख्स भी जब उस समुंदर में पहुंचा, उसके जहन में भी ख्याल आया कि कहीं उसका सामान का नुकसान ना हो जाए। तो जैसे उसके जहन में ख्याल आया फ़ौरन डूबने लगा वो। अजीज़ाने गिरामी, इमाम के जो चाहने वाले थे, क्या मसला है, कहा कि मुझे जो है घर से जब मैं निकला था तो मैंने जो कुछ साबुन वगैरह छत के ऊपर रखा था उसी का ख्याल मेरे जहन में आ गया। तो इमाम के जो चाहने वाले थे कहा कि ठीक है, तुम दोबारा खुदावंद आलम को इमाम ज़माना का वास्ता दो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहो, लिहाजा तुम दोबारा चलने लगोगे। बहरहाल उसने जो दोबारा जो इमाम ज़माना का वास्ता दिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहा, बहरहाल समुंदर के पार हुए,
समुंदर के पार हुए वहाँ पहुँचे तो क्या देखा कि वहाँ जो है एक खूबसूरत नूरानी सा खैमा नज़र आ रहा है। और इमाम के जो चाहने वाले थे उन्होंने कहा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इसी खैमे के अंदर मौजूद है। बहरहाल हम पहले जाएंगे, इमाम ज़माना से मुलाकात करेंगे, उनसे परमिशन लेंगे, अगर वो इजाज़त देंगे उसके बाद ही आपकी मुलाकात हो सकती है, वरना उसके अलावा मुलाकात नहीं हो सकती। इमाम के चाहने वाले वहाँ पहुँचे, इमाम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और कहा कि मौला आपके एक चाहने वाला जो इतने दूर से आया हुआ है वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने क्या जुमला इरशाद फरमाया, इमाम ने फरमाया कि रुद्दू हो हाजा रजुलुन साबूनी, इसको वापस भेज दो, इसलिए कि इमाम ज़माना से ये क्या मुलाकात करेगा, अभी इसके दिल में साबुन की मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई तो इमाम ज़माना की मोहब्बत कैसे पैदा होगी। सलावात वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। फैज़ान गिरामी, इमाम की मारिफत भी बहुत ज़रूरी है। बारगाह इमामैन अस्करियैन में हम लोग बैठे हुए हैं, वाकयान बहुत ही दोनों मज़लूम इमाम हैं। चाहे आप इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के ज़माने को देखो कि 11 साल तक इमाम अलैहिस्सलाम को कैद खाने में रखा गया। इमाम कहाँ थे, मदीने में थे, मदीने से कैद करके, वक्त बहुत कम है लिहाजा मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ पूरी बातें आप लोगों तक पहुँचाने की। ज़्यारतें भी बहुत ज़्यादा है, नमाज़ें भी हैं। इमाम मदीने में थे, मदीने से इमाम अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करके लाया गया। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम उस वक्त 5 या 6 साल के थे, कैद खाने में लाया गया। यहाँ से कुछ दूरी पर एक कैद खाना आज भी मौजूद है, बहुत ही ख़तरनाक कैद खाना, मैं भी वहाँ पर गया हूँ। जाएंगे तो आपको डर महसूस होगा, नहीं यानी वहाँ ना बैठने की जगह ना खड़े होने की जगह, ऐसा कैद खाना, एकदम अंधेरा तारीकी अंदर। तो कितने जालिम लोग थे कि इमाम अलैहिस्सलाम को 11 साल तक उस कैद खाने में रखा। लेकिन जब बादशाह को ज़रूरत पड़ी, इसी सामर्रा में जब एक ज़माने में कहत पड़ा, इमाम की ज़रूरत थी, वाक़ आप सुनते रहते हैं, इसी सामर्रा की वाक़ा है कि एक राहिब जो है एक हड्डी के किसी नबी की हड्डी को जब वो आसमान के सामने लाता तो पानी बरसने लगता था। तो बहरहाल इमाम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, उसका कोई कमाल नहीं है, बल्कि उसके हाथों के दरमियान चेक करके देखो, किसी नबी की हड्डी, उस हड्डी का कमाल है कि जब उसे आसमान के नीचे लाया जाता है तो उसकी वजह से बारिश होती। तो लिहाजा जब उस हड्डी को उसके यहाँ से निकाला गया और इमाम अलैहिस्सलाम ने दोबारा उसको उससे कहा कि अब दुआ करके बताओ, अब जब उसने अपने हाथों को बुलंद किया वो राहिब दुआ करने के लिए, आसमान में जो बादल थे वो भी छट गए। तो ईज़ान गिरामी, जब जब इमाम की ज़रूरत पड़ी है इन ज़ालिमों को, तो इमाम को जो है रिहा कर देते थे उस वक्त। और अज़ीज़ाने गिरामी, मुतवक्किल एक ऐसा ज़ालिम व जाबिर बादशाह गुज़रा है कि जिसका काम जो होता था हमेशा जो है इमाम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ें पहुंचाना, लोगों को तकलीफ़ें, बहुत बड़ा ज़ालिम बादशाह गुज़रा है मुतवक्किल, जिसने हुक्म दिया था इसी सामर्रा से कि जाओ यहाँ से, जब अपने सिपाहियों को भेजा करबला चले जाओ, वहाँ जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रज़ा मौजूद है उसको मिसमार कर दो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कब्र है वहाँ पर खेती करो। आप रवायतें पढ़ते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, लान अल्लाह कातिउ सदर, अल्लाह की लानत उस शख्स के ऊपर जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से उस बैर के दरख्त को काटा। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कब्र थी, पहले ज़माने में वो एक बैर का दरख्त हुआ करता था और वह अलामत थी, लोग समझ जाते थे, वहाँ जाकर ज़ियारत करते थे। लेकिन इसी मुतवक्किल ने हुक्म दिया, इसी मुतवक्किल ने हुक्म दिया कि वहाँ जाओ, वहाँ जाने के बाद पूरी ज़मीन को ख़राब करो। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, जब यहाँ से पूरा लश्कर वहाँ उसका पहुँचा और उसने बहुत कोशिश की, फुरात के किनारे से उसने जो एक नहर खोद कर लाया ताकि वो पानी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब्र तक पहुँचे और उस कब्र को ख़राब कर दें। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, जब वो पानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब्र के पास पहुँचा तो उसी जगह का तवाफ़ करने लगा। इसी वजह से उस जगह को हायर हुसैनी कहते हैं, कि जहाँ के बारे में बयान किया जाता है कि इंसान अगर वहाँ नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज जो है पूरी है, हायर हुसैनी कहा जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। बहुत बड़ा ज़ालिम बादशाह गुजरा है मुतवक्किल, कि जिसने आखिरी वक्त में इमाम अलैहिस्सलाम को जहर दिया और इसी जगह पर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को दफन किया गया। इसी तरीके से इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन अस्करी के ज़माने को देखे, उसके ज़माने में जब मौतिस बिल्ला खलीफा हुआ इसी सामर्रा में, कई साल तक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया।
इमाम को कैद कर दिया, इसलिए कि उन्होंने सुन रखा था पैगंबर इस्लाम से। पैगंबर इस्लाम ने क्या इरशाद फरमाया था कि खुलफाए मिन बादी इस्ना अशर, कि मेरे बाद जो मेरे खलीफा होंगे वो 12 होंगे। तो लिहाजा उसने तय किया कि इमाम को अलग रखा जाए, इमाम की ज़ौजा को अलग रखा जाए। काफ़ी सालों तक इमाम अलैहिस्सलाम को जो है अलग रखा गया, उनकी ज़ौजा को अलग रखा गया। बहरहाल बाद में जब इमाम अलैहिस्सलाम जो है हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलें पैदा हुई और इमाम अलैहिस्सलाम ने उस मसले को हल कर दिया, तो उसके बाद इमाम को जो है छोड़ दिया गया। इमाम अलैहिस्सलाम जब अपने ज़ौजा से मिले, और इमाम की ज़ौजा जो हामिला थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इमाम की ज़ौजा हामिला, इसलिए कि एक रात इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी फूफी को बुलाया। फूफी को बुलाने के बाद कहा कि देखो, कल जो है शब 15 शाबान है और यहाँ जो है विलादत होने वाली है, आप जो यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। लिहाजा जब हकीमा खातून वहाँ पहुँची, उन्होंने देखा, कहा कि मौला, मैं तो कुछ हमल के कुछ आसार ही नज़र नहीं आ रहे। तो उस वक्त इमाम ने फरमाया कि जिस तरीके से खुदावंद आलम ने जनाब मूसा के वालदा के हमल को पोशीदा रखा, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालदा के हमल को पोशीदा रखा, इसी तरीके से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जो वालदा है उनके हमल को भी अल्लाह ने पोशीदा रखा। बहरहाल आप आ जाइए, विलादत होने वाली है। हकीमा खातून पहुंची और उसके बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इसी सामारा में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो है तशरीफ़ लाए, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में किसी को नहीं पता, इसलिए कि इमाम ने छुपा कर रखा था इमाम हसन अस्करी ने। अगर किसी को पता चल जाता कि यहाँ जो है इमाम की जो है विलादत हुई, तो फौरन जो उससे जो कत्ल कर देते। यहाँ तक कि इमाम अलैहिस्सलाम से कुछ लोग मिलने के लिए आए, घर में दाखिल हुए, इमाम के करीबी चाहने वाले थे, उन्होंने सवाल किया कि मौला, आपके बाद जो है आपका जानशीन कौन होगा। तो इमाम ने इशारा किया पर्दे की तरफ, वहाँ से खूबसूरत सा बच्चा आया, इमाम के आगोश में आकर बैठा। इमाम ने फरमाया कि ये जो मेरा बेटा जो मेरे आगोश में, यही इमाम ज़माना है। वहीं से लोग जो है पहचान लें कि यही जो है इमाम ज़माना है। इमाम अलैहिस्सलाम की उम्र 4 या 5 साल की थी, जिसके बारे में बयान किया जाता है कि इमाम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से पर्दे गैब में गए, कि जिसे गैबत सुगरा का ज़माना कहा जाता है, और अभी जो ज़माना चल रहा है इसे गैबत कुबरा कहते हैं। गैबत की दो किस्में, एक गैबत जिसे गैबत सुगरा कहते हैं, कि जिसकी मुद्दत 75 साल या बाज़ रवायतों के मुताबिक 73 साल बयान की जाती है। और उस गैबत सुगरा में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जो 4 नायब थे, इमाम ज़माना उनसे मिलते थे। जब उन 4 नायब के इंतकाल हो, उसके बाद जो वहीं से जो है फिर गैबत कुबरा का ज़माना शुरू हो गया, जो आज तक जो है मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम अलैहिस्सलाम को क़ैद किया गया, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को क़ैद खाने में रखा गया। और आप अंदाज़ा करें कि इमाम अलैहिस्सलाम को कितना ख़तरनाक जहर दिया गया कि इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ हो जाती है। इमाम की शहादत वाक़ हो जाती है, अज़ीज़ान गिरामी, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बइज़्ने इमामत तशरीफ़ लाते हैं, इसलिए कि इमाम की मैयत को इमाम का बेटा ही नमाज़ पढ़ाएगा। तो इमाम ज़माना तशरीफ़ लाए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, और बहुत ही अदब और एहतराम के साथ चाहने वाले मौजूद थे, इसी सामारा में लाकर दफन किया गया। मैं कहूँगा, मेरे इमाम, अरे आप तो खुश नसीब हैं, अरे चाहने वाले मौजूद थे, अरे आप मौजूद थे, अरे बहुत ही इज़्ज़त एहतराम के साथ अपने वालिद को यहाँ लेकर आए, दफन कर दिया। मैं कहूँगा, इमाम ज़रा करबला में आइए, अरे हुसैन का लाशा, अरे करबला की जलती ज़मीन पर बेगौर कफन पड़ा है, अरे कोई गुस्ल कफन देने वाला नहीं है, अरे एक बीमार बेटा है कि जिसके हाथों में हथकड़ी है, अरे पाँव में बेड़ी है, अरे गले में खारदार तौक है, अरे कैसे अपने बाबा को दफन करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़्यारत हम लोग पढ़ते हैं इधर मुतवज। मेरा बोल ले लियो।
اللهم اني اتوجه اليك من ائمه الظاهر اليك Yeah, man.